आंकड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो आंकड़े हैं भी नहीं और आश्चर्य करते हैं जितने आंकड़े आपके पास है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर बी पी शर्मा साहब का मैं संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमीरगढ़ के ठाकुर साहब बिराजे हुए हैं। इतिहास के अंदर आपको बड़ी रुचि है, चौबे साहब ने आपको निवेदन किया और आप सहर्ष पधारे हमीरगढ़ से यहाँ पर। इसी से रुचि परिलक्षित होती है, कहाँ हमीरगढ़ कहाँ उदयपुर, लेकिन आप इस कार्यक्रम में सभी को लेकर पधारे, उनकी इस आत्मीयता के लिए मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में माननीय उमा शंकर शुक्ल जो MP महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहे हुए हैं और समाज सेवा के अंदर सजग हैं और शिक्षा भी हैं, ऐसे उमा शंकर शुक्ल डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल NK राठौर साहब रहे हुए, सेना के अंदर आपकी उपलब्धियों का वर्णन करने में अगर शुरू करूँगा तो साफ होता है। इस प्रकार आपने सेना के अंदर रहते हुए भारत की अस्मिता को आपने कायम रखा, भारत के जर्जरमान इतिहास को आपने कायम रखा और आज भी आप उसी प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे संस्था से आप जुड़े हुए हैं और आपका हमारे बराबर लगातार हमें मार्गदर्शन मिलता है और चौबे जी का आपके ऊपर अत्यंत विश्वास है और ऐसे आदरणीय राठौर साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सब यहाँ बता रहे हैं समय निकाल कर और इस अवसर करवा जो मेवाड़ के भालो शाह के बाद एक महान सपूत हुए मेवाड़ के प्रधान हुए हैं, उनकी जन्म जयंती को लेकर के आप यहाँ बता रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ओम धन्यवाद।